फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले की जो क्लासें हैं इसमें हम बहुत सारे वीडियो दे चुके हैं। व्याकरण के बारे में भी पढ़ा है हमने, आदिकाल शुरुआत कर दी है। आदिकाल में हम जो है पहला जो था अपभ्रंश साहित्य, इसको पढ़ चुके थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। आज हम देखेंगे सिद्ध साहित्य आखिर में था क्या, ये है क्या, और उसमें कौन कौन से कवि आए, उनकी रचनाएं, और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है हम उसी को पढ़ेंगे। फालतू ऐसा वैसा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, जो भी मैंने एनालिसिस किया है। तो हम देखते हैं सिद्ध साहित्य। दोस्तों, सिद्ध साहित्य है क्या? सबको पता है कि जिस समय आदिकाल की आदिकाल का समय था, उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर थे। उस समय ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए थे। तो बौद्ध धर्म में बहुत सारे जो भी थे लोग, इसके बाद क्या हुआ, बौद्ध धर्म में बहुत मतभेद हुआ, वो कई भागों में बट गया। तो उसी में से एक जो उसकी शाखा थी वो थी वज्रयान शाखा। तो जो वज्रयान शाखा थी उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई, वही क्या हुआ, हमारा सिद्ध साहित्य कहलाया। मतलब अगर हम कहें सिद्ध साहित्य का जो उद्गम है कहाँ से हुआ, तो हम कहेंगे बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य का विकास होता है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, वज्रयान शाखा से, वज्रयान शाखा एग्जाम में पूछा गया है, और यही जो है उसका आंसर होता है कि बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य का उद्गम होता है। मतलब वज्रयान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए जिस साहित्य की रचना की गई, वही क्या कहलाया, हमारा सिद्ध साहित्य कहलाया। तो सिद्ध साहित्य जो सिद्ध थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्धों की संख्या कितनी थी। सिद्धों की संख्या अगर पूछता है तो हम क्या बताएंगे, सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। और यहीं पे हमारा अगर नाथ पूछ लेता है नाथों की संख्या, तो हम कितनी बताएंगे, 9 बताएंगे। और यहीं पे आलवार भी पूछता है, जो भक्ति काल में मिलते हैं आलवार, जो वैष्णव धर्म के उपासक थे आलवार, उनकी संख्या पूछता है तो कितनी है, 12 है। आलवारों की संख्या कितनी है, 12 है। और अगर पूछे नैनार की संख्या, जो शैव धर्म के उपासक थे उनको क्या कहा जाता था, नैनार कहा जाता था, और जो वैष्णव धर्म के उपासक थे उनको क्या कहा जाता था, उनको आलवार कहा जाता था। तो नैनारों की संख्या अगर पूछे, नैनार कितने थे, तो 63 थे। मतलब उनकी संख्या कितनी थी, 63 थी। हम देख रहे हैं यहाँ पे सिद्धों की संख्या कितनी मान जाती है, 84 मान जाती। राहुल सांकृत्याय ने जो ग्रंथ लिखा है हिंदी काव्य धारा, उसमें भी उन्होंने कितनी संख्या बताई है, 84 ही बताई है। और जो त्रिशूर ठाकुर की रचना है, वो भी वर्ण रत्नाकर, वो भी क्या है, उसमें भी 84 सिद्ध का वर्णन मिलता है। उसमें भी यही बताया गया है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। और इसके बाद इन सब का अगर पूछा जाए, सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम पता किसने लगाया, मतलब सिद्धों को प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो बिंडल ने। हम देखेंगे सिद्धों की रचनाओं को प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम प्रयास। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है, सिद्धों की रचनाओं को प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो हम किसका नाम लेंगे, बेंडल। एक विद्वान थे बेंडल, वही क्या करते हैं सर्वप्रथम इनकी रचनाओं को प्रकाश में लाने का काम करते हैं।
और इसके बाद आते हैं एक है हरप्रसाद शास्त्री। उनका वो क्या करते हैं, हरप्रसाद शास्त्री इनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं को, हरप्रसाद शास्त्री क्या करते हैं इनकी जो कविताएं थी रचनाएं थी उसको किस नाम से, हरप्रसाद शास्त्री उनकी रचना जो सिद्ध साहित्य था, उनकी जो सिद्ध थे उनकी जो कविताएं थी उनको किस नाम से उन्होंने प्रकाशित करवाया, बौद्ध गान ओ दोहा, बौद्ध गान ओ दोहा, बौद्ध गान ओ दोहा नाम से रचनाओं को क्या किया इन्होंने प्रकाशित करवाया। अगर ये याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं बेंडल थे कि हरप्रसाद शास्त्री, तो हम इसकी यहीं पे ट्रिक बना लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हर है ना और यहाँ पे गान है, हम जब गाना गाते हैं तो क्या हर हर महादेव करते हैं ना, तो हर हर महादेव का क्या करते हैं गान ही तो करते हैं। तो गान अगर आ जाए बौद्ध गान ओ दूहा तो हम किसका गान करते हैं, हर हर महादेव का। तो हरप्रसाद शास्त्री जो है उन्हीं का जो ये अनुवाद ग्रंथ का नाम है बौद्ध गान को दुहा, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा एग्जाम में हम बोलेंगे नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कौन आते हैं इनकी जो, इसके बाद आते हैं प्रबोध चंद बागची, एक नाम आता है प्रबोध चंद बागची, प्रबोध चंद बागची ये विद्वान प्रबोधचंद बागची जो थे इनका भी इन लोगों की जो सिद्ध थे सिद्धों की रचनाओं को प्रकाश में लाने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबोधचंद बागची भी इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद हो गया, हमने देखा बद्रयान शाखा से ही सिद्ध साहित्य का उद्गम हुआ और संख्या कितनी है 84 है, और सिद्धों की रचनाओं का प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम प्रयास अगर देखें तो बेंडल ने किया था, और हरप्रसाद शास्त्री भी अनुवाद करते हैं इनकी कविताओं का, इन लोगों की कविताओं का बौद्ध गान दुहा नाम से। प्रबोध चंद्र बागची भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और इनका अगर केंद्र पूछे कि केंद्र कहाँ है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या है, श्री पर्वत, श्री पर्वत। और इनका विस्तार अगर पूछे कि इनका विस्तार किस भारत के किस क्षेत्र में है, सिद्धों का जो विस्तार है भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है तो हम कहेंगे पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र देखे तो असम, बिहार से लेके असम तक इनका विस्तार देखा जाता है, बिहार से लेके असम तक जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं ये सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम गाइड में देखेंगे तो ऐसे जो प्रश्न हैं इस तरह के प्रश्न नहीं मिलते, लेकिन अब जो ट्रेंड है एग्जाम का वो बदल चुका है। हाँ, हम जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो किताबों से बन रहा है ना कि गाइड से, तो ये सारी चीजें जो हैं वो किताब से पढ़ के मैंने आप लोगों को बताया है, तो ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद इनकी भाषा भी पूछा जाता है कि इनकी भाषा क्या थी, अगर आदिकाल की भाषा पूछता है मतलब अगर सिर्फ आदिकाल की भाषा पूछे तो हम क्या कहेंगे, डिंगल, डिंगल या पिंगल, मतलब इस काल में डिंगल और पिंगल रचना हुई। लेकिन अगर पूछे सिद्ध साहित्य की भाषा क्या थी तो हम क्या कहेंगे, अपभ्रंश। भाषा इनकी कैसी थी, भाषा क्या थी, अपभ्रंश थी, अपभ्रंश। लेकिन जो अद्वै भद्र एक विद्वान थे, अद्वै ब्रज, और एक थे मुनि, एक और विद्वान थे क्या नाम था इनका, मुनिदत्त, अद्वै भद्र और मुनिदत्त, अद्वै भद्र और मुनिदत्त इनकी भाषा को क्या कहते हैं, संध्या भाषा कहते हैं, संध्या भाषा, संध्या भाषा। संध्या भाषा क्यों कहा,
हम देखते हैं कि जो संध्या का समय होता है उसमें कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं और कुछ चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं। तो जो इनकी कविताएं हैं, सिद्धों की जो कविताएं हैं, वो कुछ तो स्पष्ट होती हैं, कुछ नहीं स्पष्ट होती हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया, इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया, संध्या या संध्या भाषा इन्होंने कहा था। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से कवि इसमें आते हैं, कौन कौन से कवि हैं। 84 सिद्धों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनको एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, तो हम उन्हीं को देखेंगे। पहले हमारे कौन है, सरहपा। सरहपा पहले कौन से कवि हैं, सरहपा। सरहपा को अगर राहुल सांकृत्यान के अनुसार पूछता है तो हम क्या कहेंगे, पहला कवि मानेंगे इनको। लेकिन अगर किसी के अनुसार ना पूछे, सिर्फ पूछे हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तब भी हम सरहपा को ही मानेंगे। राहुल सांकृत्यान ने तो माना ही है हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है, लेकिन अगर किसी के अनुसार ना पूछे, सिर्फ ये पूछे हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो हम सरहपा को कहेंगे। और राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं, स्वयंभू को मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त किसको मानते हैं, शालीभद्र सूरी को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं, अब्दुल रहमान को मानते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी पूछा था रामचंद्र शुक्ल किसको प्रथम कवि मानते हैं, तो वो चंद्रवरदाई को मानते हैं। उन्हीं का जो ग्रंथ है प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं, उनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासु। राहुल सांकृत्यान का क्वेश्चन अक्सर, रामचंद्र शुक्ल का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना, पृथ्वी चंद्रवरदाई को। और महाकाव्य जो उनका पहला महाकाव्य माना, उनका जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासु है, उसको माना। तो सरहपा का समय क्या है देखते हैं हम, 769। ये किसके अनुसार है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन। इस पे हमें ध्यान देना है, वर्तनी में कभी कभी सांकृत्यायन ना करके सांस्कृत्यायन कह देता है, तो ये याद रखना है सांकृत्यायन है ना कि सांस्कृत्यायन है। तो हमें जो भी हम पढ़ेंगे उसी समय सब कुछ पर्यायवाची हो गया या वर्तनी हो गया, ऐसा नहीं है कि हमें उस समय उस चीज का जिक्र नहीं करना है, हम हर चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 769। और अगर आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछे, आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल इनका समय क्या मानते हैं, वो मानते हैं 633। इन्होंने क्या माना है, 633 इनका समय माना है। और इनका उपनाम भी है, उपनाम ये भी पूछा गया है, उपनाम क्या है इनका, सरोज वज्र, सरोज वज्र और सरोरुम, सरोरुम, सरो सरोरुम पाद, सरोरुम पाद, सरोज वज्र, सरोरुम पाद, और एक नाम क्या, राहुल वज्र, राहुल, राहुल वज्र। ये सब क्या है, इनके ही नाम है। और अगर पूछे सबसे, सिद्धों में सबसे पुराने, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, सबसे पुराने, तो यही कौन है, सरहपा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है, सरहपा ही है। और सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो लुइब्बा का हो जाएगा। सिद्धों में सबसे विद्वान अगर पूछता है, विद्वान पांडित्यपूर्ण गुण से कौन मतलब परिपूर्ण था, तो हम कड़हापा को कहेंगे। लेकिन पुराने अगर बात आ जाए, जबकि हम देखते हैं कालक्रम में सरहपा का समय पहले है, तो सबसे पुराने कौन होंगे, सरहपा ही सबसे पुराने माने जाएंगे। इसके बाद हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी पूछा जाता है, रचनाएं, रचनाएं, दोहा कोश ये पूछा गया है, दोहा कोश ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, ये फेमस है।
और भी रचनाएं हैं जिसको इतना नहीं पूछा जाता लेकिन कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। डाकनी गुहा वज्रगेत, डाकनी डाकनी गुहा वज्र गीत, डाकनी गुहा वज्र गीत इनकी ही रचना है और इनकी कुछ पंक्तियां भी एग्जाम में पूछा गया है, उसको भी हम देख लेंगे और टिक के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समझ भी लेंगे, क्योंकि जो अपभ्रंश की पंक्तियां हैं वो याद नहीं होती हैं लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम उनको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इसके बाद देखते हैं इनकी जो पंक्तियां हैं, इनकी पंक्तियां कौन कौन सी हैं। पंक्तियां, पंक्तियों में कौन है? जय मन पवन न संचय, जय मन पवन न संचर, जय मन पवन न संचर, जय मन पवन न संचर, रवि शशि नयनाय प्रवेश, रवि शशि रवि शशि नहीं नान पवेश। हम देखते हैं इनकी जो पूरी लाइन है वो है जय मन पवन न संचरय, रवि शशि नहीं पवेश, तान वट वित विश्राम कर सरहे कहे उवेश। ये कहते हैं कि जय मन पवन न संचरय मतलब हे मेरी आत्मा, जहाँ पे पवन का भी संचार ना हो, रवि मतलब सूर्य, सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाए, सस चंद्रमा सस की आर्द्रता भी ना जाए, वहां पे तुम विश्राम करो, वहां पे तुम जाके विश्राम करो। तो हम देखते हैं इसकी जो ट्रिक है, पवन क्या कहता है करता है, सरसर सरसर की आवाज आती है जब पवन चलता है। पवन कैसे चलता है? सरसर सरसर सरसर, कहते सरसर सरसर हवा चल रही है ना, तो सरसर सरसर पवन चलती है तो सरसर सरसर से क्या हो जाएगा, सरहपा हो जाएगा। पवन कैसी चलती है? सरहपा, मतलब ये लाइन आए और हमें याद ना रहे कि किसकी पंक्ति है, तो हम पवन को देख के याद कर लेंगे कि पवन सरसर सरसर चलती है तो ये किसकी पंक्ति है, सरहपा की पंक्ति है। एक ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी, दूसरी कौन सी है, घोर अधारे, घोर अधारे चंदमणि, घोर अधारे, घोर अधारे चंदमणि, घोर अधारे चंदमणि, इतना ही देखते हैं, इतने से ही पता चल जाएगा घोर अंधारे। अब हम देखते हैं ठीक कि घोर जब अंधेरा होता है तो कैसा रहता है, साय साय की आवाज होती है ना, घोर अधारे चंद्रमणि, तो जब घोर अंधेरा रहता है तो साय साय की आवाज होती है, पवन भी साय सा सरसा सरसा चलती है तो साय साय होता मतलब सरहपा, घोर अंधेरे रहता है तो सरसर सरसर की भी आवाज आती है, साय साय भी करता है, तो किसकी है ये, सरहपा की है। और भी पूछा गया है इसमें, नाद रविंद नरब शशि मंडल, नाद नविंद, नाद नविंद न रवि शशि मंडल, रवि शशि शशि मंडल। अब हम देख रहे रवि शशि यहां भी आया है, रवि शशि यहां भी आया है, मतलब सरहपा की जो पंक्ति है यहाँ तो याद हो गया पवन कैसी चल रही सरसर सरसर, रवि शशि यहाँ भी है, रवि शशि यहाँ भी है, तो ये किसकी है, सरहपा, मतलब सरहपा जो है रवि शशि की ही बात कर रहे हैं और किसी की नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें इनकी पंक्तियां याद हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सबरपा, इसके बाद कौन से सिद्ध हैं, सबरपा, सबरपा भी पूछे जाते हैं,
सबरपा सब रपा इनका जो जन्म है कब हुआ था? इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था, 780 ईस्वी। इनका नाम सबरपा के पड़ा क्योंकि ये सबर जाति के थे, सबर जनजाति में रहते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा जाता है? सबरपा, मतलब सबरों के साथ रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? सबरपा पड़ा। और इनके गुरु का क्या नाम था? सरपा, मतलब इसके पहले जो थे वही इनके गुरु थे। सबरपा के गुरु कौन थे? सरपा। इसके बाद आएगा लुईपा, लुईपा के गुरु कौन हो जाएंगे? सबरपा। तो इस तरह से गुरु और शिष्य की परंपरा चलती रहती है। और अगर पूछ ले सबसे ऊंचा स्थान, मैंने नहीं, सबसे ऊंचा तो लुईपा का है, सॉरी। तो इनकी जो रचनाएं हम देख लेते हैं, यहाँ से इतना ही पूछा जाता है। इनकी रचना है, एक बहुत ही प्रसिद्ध है, चर्यापद। कौन सी रचना है इनकी? चर्यापद। दोहा कोश किसकी है? वो सरहपा की है, लेकिन चर्यापद किसकी है? वो सबरपा की है, ना कि सरहपा की है। महामुद्रा वज्र गीत, ये भी इम्पोर्टेंट है। महामुद्रा वज्र गीत, और महामुद्रा वज्र गीत, और नहीं पूछी जाती। ये कहते हैं कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसके आचार्य थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? विश्वविद्यालय के आचार्य थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? आचार्य नियुक्त हुए थे वहां पे। इसके बाद हम देख लेते हैं लुईपा। इसके बाद कौन है? लुईपा को देख लेते हैं। लुईपा का जन्म कब होता है? 830 ईस्वी, 830 ईस्वी। और इनका अगर यही यहां से पूछा जाता है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था, ऊंचा किसका हो जाएगा? लुईपा का हो जाएगा, ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान। हम यहाँ देख रहे हैं ऊ है और लू, मतलब ला, ला में भी पहला जो मात्रा लगी है पहली ऊ है, और ऊंचा में भी ऊ है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ट्रिक कर लेंगे कि ऊंचा अगर पूछे तो ला में ऊ लगा हुआ है तो लुईपा ही ऊंचे होंगे, बाकी सरहपा सबरपा में ऊ नहीं लगा है तो वो नहीं होंगे। ऊंचा स्थान लुईपा का हो जाएगा। और गुरु कौन थे? मैंने बताया भी कि सबरपा हो जाएंगे क्योंकि उसके बाद आ रहे हैं, तो सबरपा इनके गुरु हो जाएंगे। सबरपा का कौन हो जाएंगे? इनके गुरु हो जाते हैं। इनकी रचनाएं भी हैं लेकिन कम पूछी जाती है, देख लेते हैं रचनाएं। लुईपाद गीतिका नाम से ही है, लुईपाद गीतिका, बस एक ही देखते हैं। और फिर इनकी पंक्तियां पूछा जाता है, इनकी पंक्तियों को पूछा गया है वो देखते हैं पंक्तियां, और उसको भी हम ऐसे ही सरपा की पंक्तियों की तरह ही याद कर लेंगे ताकि याद हो जाए पंक्तियां। पंक्तियां इनकी कौन कौन सी है? भावना कावा तरुअर पंच विराल, पहले देख लेते हैं। कावा तरुअर, कावा तरुअर पंच विराल, कावा तरुअर पंच विराल, चंचल कीचिए पाइठो काल। हम इतना ही देखेंगे, यही लाइन पूछा जाता है। कावा
हम देखते हैं कि गांव में जो कौवा होता है क्या करता है, लुप से आता है, रोटी लेके उड़ जाता है। तो अगर कौवा आ गया लाइन में, अगर अपभ्रंश की कोई लाइन है उसमें कावा आ गया, कौवा आ गया ये कावा, तो क्या करता है वो लुप से रोटी ले लेता है, लप से लुप से रोटी ले लेता है। हमें इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना है, कौवा क्या करता है, उसका गुड़ है कि लुप से आके रोटी कुछ भी लेके उड़ जाता है। तो ये किसकी हो जाएगी, लुइपा की हो जाएगी ना, लुप से लेता है तो लुइपा की हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरी लाइन दूसरी देख लेते हैं, भाव न होए अभाव रह जाए, भाव न होए भाव न होए अभाव, भाव न होए भाव न होए अभाव रह जाए, भाव न होए अभाव रह जाए। अब इसको भी ट्रिक के माध्यम से देख लेते, अभाव मतलब जो कौवा है वो अभाव में है तभी तो लुप्त से जाके ले रहा है। कौवा कैसे है, अभाव में है। जो लोग अभाव में रहते हैं वो क्या करते हैं, लुप लुप करते रहते हैं ना, लुप यहाँ लुप वहां, क्या मिल जाए। तो अभाव जैसे जैसा शब्द अगर आ जाए, अभाव आ जाए, भाव आ जाए, जिसको अभाव है वो लुप लुप करता रहता है, मतलब वो किसकी पंक्ति है, लुइपा की है। दोस्तों ये हमारी सिर्फ ट्रिक है, इसको कोई व्यक्तिगत ना ले, सिर्फ मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों को किस तरह से याद करवाऊँ, इसलिए थोड़ा सा मैं ट्रिकी करके बताती हूँ ताकि एग्जाम में वो ट्रिक याद आ जाए और आप लोग क्वेश्चन सही कर लो। तो ये हमने देख लिया, भाव न होए अभाव न जाए। इसके बाद हम पढ़ते हैं डोंभिपा, यहाँ से सिर्फ गुरु पूछा जाता है, डोंभिपा डोंभिपा, इनकी अगर पूछ ले गुरु कौन है, गुरु कौन है इनके, गुरु इनके बी रूपा है, बी रूपा इनके गुरु, लुइपा नहीं है, ध्यान देना है, इनके गुरु कौन है, बी रूपा है। और इनकी एक पंक्ति भी पूछी जाती है, इनकी पंक्ति एक पूछी गई है, वो है गंगा जमुना माधो बहरे रे नाई, गंगा जमुना, गंगा जमुना, गंगा जमुना है, ये अपभ्रंश है ना इसलिए याद नहीं होता, गंगा जमुना माझे बहे, गंगा जमुना माझे बहे नाई, माझे गंगा जमुना माझे रे, मतलब हम देख रहे हैं डोंभिपा, जो डोम लोग होते हैं, जो गंगा के डोम लोग कहाँ रहते हैं, गंगा जमुना के किनारे ही रहते हैं, और क्या करते हैं, नाई मतलब नाय चलाते हैं। अगर गंगा जमुना आ गया तो गंगा जमुना के किनारे कौन रहता है, डोम रहते हैं, तो वो किसकी पंक्ति हो जाएगी, डोंभिपा की हो जाएगी। डोम क्या करते हैं, नाई चलाते हैं, नाई आ गया तो हमें गेस कर लेना ये डोंभिपा की पंक्ति है, ना कि लुइपा सरप्पा या सबरप्पा की है, यहाँ हमने देख लिया। इसके बाद हम देख लेते कढ़प्पा, ये भी पूछा जाता है, कढ़प्पा 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 भी एक महत्वपूर्ण कवि है, सिद्धों में जो बहुत ही प्रसिद्ध है कढ़प्पा। कढ़प्पा का अगर हम समय देखें तो कढ़प्पा का जो समय है 820 ईस्वी है, 820 ईस्वी माना जाता है। और इनके अगर इनका अगर पूछे इनके गुरु कौन थे तो जालंधरपा है, गुरु गुरु कौन है, जालंधरपा, जालंधरपा गुरु कौन है इनके, जालंधरपा। कढ़प्पा का समय इतना है, और ये कहाँ के थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, कर्नाटक, दक्षिण भारत के थे, कर्नाटक, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या है, सिद्धों में पांडित, सिद्धों में पंडित थे, पंडित का मतलब ये विद्वान, सिद्धों में पंडित या विद्वान कह दें, ये
माने जाते थे। तो सिद्धों में क्या थे? पंडित या विद्वान माने जाते थे। और इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं, लेकिन रचनाओं को नहीं पूछा जाता, हम पंक्तियां देख लेते हैं। इनकी पंक्तियां, इनकी कौन कौन सी पंक्तियां एग्जाम में अक्सर पूछी गई हैं। इनकी पंक्ति है एकड़ किज्जड़ मंत्र, एकड़ किज्जड़ मंत्र रतंत्र। और पूछी जाती है इनकी है जिम लोड विलज्जय, जिम लोड विलज्जय। हमें बस थोड़ा थोड़ा लाइन ही देखना है। यहाँ पे एक पूरी लाइन है और उसका जो अर्थ है कि जिस तरह से नमक पानी में विलीन हो जाता है, उसी तरह तू अपनी स्त्री का क्या कर, भोग कर। उसी तरह अपनी स्त्री का भोग कर, उसी मतलब स्त्री में विलीन हो जाए। इनका कहना है, उसका एक पारलौकिक अर्थ भी होगा कि जिस तरह से आत्मा परमात्मा में लिप्त हो जाती है, उसी तरह मतलब जिस तरह नमक पानी में विलीन हो जाता है, उसी तरह आत्मा परमात्मा में भी लीन हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ देख लिए। और एक पूछा जाता है सिद्धों में कितनी महिलाएं थी। सिद्धों में महिलाएं तीन थी, तीन महिलाएं।